नमस्कार, कैसे हैं आप? इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कुछ भी होगा, सरकार और सिस्टम ऐसे लोगों को आप कुछ भी नहीं करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका यात्रा पर थे और अमेरिका में नरेंद्र मोदी के स्वागत में पलकें बिछाई वहां की सरकार थी। पहली बार मोदी अमेरिका सरकार के विशिष्ट अतिथि के रूप में गए थे। अमेरिका ने पलक पांवड़े बिछाए। प्रधानमंत्री मोदी का सम्मान देश का सम्मान था, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री 3 दिन की अमेरिकी यात्रा पर थे तो वहां की सड़कों पर एक तस्वीर दिखाई दी। भारत में यूएपीए एक्ट के तहत गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत रिजेक्टेड उमर खालिद की तस्वीरें सड़कों पर, गाड़ियों में बड़े बड़े बैनर के साथ घूम रहे थे। और उस तस्वीर में यह मांग की गई थी अमेरिकी राष्ट्रपति से कि जो बिडेन, आस्क मोदी, मोदी से पूछो कि उमर खालिद जेल में क्यों है। क्या उमर खालिद इतना बड़ा आदमी है, अभिव्यक्ति का, आजादी का इतना बड़ा पैरोकार है कि उमर खालिद के नाम की चर्चा अमेरिका में भारत के प्रधानमंत्री से कराई जाए? इसका मतलब साफ है कि उमर खालिद बहुत छोटा, जो यहां समझा जा रहा है, सचमुच वो छोटा नहीं है, वो इंटरनेशनल एक बड़ा अपराधी है जिसको बाहर से फंडिंग करके तैयार किया जा रहा है। उमर खालिद जेएनयू से पढ़ा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का जो नारा 2015 में लगा था नरेंद्र मोदी की सरकार के आने के बाद, उमर खालिद उसकी अगुवाई कर रहा था और उसी समय उमर खालिद चर्चा में आया। उसी समय उमर खालिद के साथ कन्हैया कुमार, जो जेएनयू का उस समय प्रेसिडेंट था, वो भी चर्चा में आया। टेलीविजन चैनलों में इसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाने लगा और यही उमर खालिद आगे आकर दिल्ली दंगे का मुख्य सरगना बना। दिल्ली हाईकोर्ट ने उमर खालिद के लिए कहा कि ये मास्टरमाइंड है। इसके साथ साथ दिल्ली दंगा में सरजी इमाम और आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगे का मुख्य अपराधी माना और जमानत देने से इनकार कर दिया। इन सबको सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली। जिस उमर खालिद को सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिली, उस उमर खालिद के जमानत को लेकर के दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन में जो मुख्य वक्ता था वो एनडीटीवी से निकाला गया या एनडीटीवी से बाहर हुआ रवीश कुमार, जो प्रणय जैमसराय का सबसे बड़ा चेला था, सबसे बड़ा सरगना था, जो एंटी मोदी गैंग में एक चेहरा बनाया गया, जिसे रैप्सडोमैन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया ताकि वो छुट्टा भारत के खिलाफ साजिश कर सके और जब कभी भी वो भारत के खिलाफ साजिश करे और उसे उसके ऊपर कार्रवाई हो तो इंटरनेशनली भारत सरकार को बदनाम किया सके, कि मैग्सेसे अवार्डी को भारत सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मैग्सेसे अवार्ड दे करके रवीश कुमार का कद बढ़ाया गया। उस रवीश कुमार को, जो नाली खरंजे की रिपोर्टिंग करता था, एकाएक उसका चेहरा बराबर बनाया गया। उस रवीश कुमार ने फर्जी स्टोरियों की लाइन लगा दी। उसने भारत के गृह मंत्री, उस समय भाजपा जो अध्यक्ष थे, उस व्यक्ति के को लेकर के एक फर्जी खबर चलवाई। पहले कारवा मैगजीन में खबर चली, उसके बाद एनडीटीवी पर, कि जज लोया जो अमित शाह के मामले की जांच कर रहे थे उनकी मौत को हत्या बताने की साजिश की गई और इस पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। दिल्ली दंगा मामले में जो एक और एक्यूज्ड है यूएपीए में बंद, जो शाहरुख है, शाहरुख खान, जिसकी तस्वीर आई थी कि वो पिस्टल चला रहा था पुलिस पर, उस शाहरुख को अनुराग मिश्रा बना दिया। तो क्या दिल्ली दंगा में का मास्टरमाइंड रवीश कुमार भी था? इसीलिए रवीश कुमार का सेंटीमेंट उमर खालिद के लिए है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रवीश कुमार संबोधित कर रहा था, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर खालिद का बाप भी था। उमर खालिद का बाप
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजक में से था और उमर खालिद के बाप का महिमा मंडन लगातार रवीश कुमार ने किया। कासिम इल्यास उमर खालिद का बाप जो है वो सीमी का एक्टिव मेंबर रहा। दिल्ली दंगा मामले में वह भी चार्जशीटेड है, उसका भी चार्जशीट में नाम है, मतलब उमर खालिद के पिता कासिम इल्यास रसूल का नाम भी इस मामले में है, उसी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हुआ था। रवीश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये कहा कि नेशनल मीडिया नहीं आई है। रवीश कुमार ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार भारत की जुडिशियरी का मजाक उड़ाया, कहा कि जजों के अंदर दिल नहीं है, ये जो है काट के हो चुके हैं। जरा सा एक एक चीज जरा सुनिए रवीश क्या कह रहा है। 1000 दिन से उमर खालिद जेल में हैं, 1000 दिन हो गए, ना तो ट्रायल शुरू हुई ना जमानत मिली। हमने तमाम बहसों में, कानून के फैसलों में यही पढ़ा और समझा, अदालतों की टिप्पणियों में देखा और जाना कि जमानत अधिकार है और जेल अपवाद है, लेकिन 1000 दिन उमर खालिद के जेल में ही हो गए। और आज आप सभी जो भी इस मौके पर यहाँ जमा हैं, जिन्होंने ट्विटर पर लिखा है, और आप सबके सैकड़ों मोबाइल फ़ोन के ज़रिए जो लाइव लोग देख रहे हैं, उन सब ने एक बहुत बड़ा काम किया है। पूरी कोशिश यही है कि उमर खालिद की लड़ाई भुला दी जाए, लेकिन आप सब ने आकर जता दिया कि लड़ाई भुलाई नहीं जा सकेगी। उसकी अकेले की लड़ाई अंदर की है, लेकिन बाहर भी आप उसकी यातनाओं को जो वो झेल रहे हैं उसे आप महसूस करते रहेंगे। हमने पिछले 9 सालों के दौरान राज्य की हिंसा करने की क्षमता को बदलते हुए देखा है। अब राज्य अपनी पार्टी, गोदी मीडिया और आईटी सेल के जरिए आप पर मानसिक हिंसा करता है, आपको बदनाम करता है। और इसकी शुरुआत अगर ठीक तरीके से देखी जाए, संगठित तरीके से देखी जाए, तो उमर खालिद से होती है। और आपके पिता SQR इलियासी जी, जब हम अपनी रिपोर्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे थे, तो आपके पास न जाने कितनी मर्तबा हम लोग अपने कैमरे को लेकर गए हैं, और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके बयान लेने के लिए मैंने आपकी चौखट पर तमाम बड़े मीडिया को देखा है, जो अब शायद आपसे दूरी बनाता होगा किसी एहतियात की चिंता में या किसी सरकार की चिंता में, वो जो भी है। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का चेहरा रवीश कुमार था। यदि रवीश कुमार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आता तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की चर्चा नहीं होती। उसने बार बार कहा इल्यास के लिए, जो सीमी का मेंबर था, सीमी जिसे आतंकी संगठन बता करके भारत सरकार ने बैन किया है, उस आतंकी पूर्व आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ रहने वाला इल्यास कासिम के लिए का महिमा मंडन रवीश कुमार ने किया। कहा हम लोग इनके घर जाते थे, आज इनके घर पे कोई नहीं जा रहा, विक्टिम कार्ड खेला गया। 1000 दिन उमर खालिद जेल में है, उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, इस देश के जजों का जो है वो दिल नहीं रह गया, वो अब लकड़ी की दीवार बन चुकी हुई है, दरवाजा बन चुका है, बंद है, कहीं से खिड़की नहीं है। इंडियन जुडिशियरी का मजाक रवीश कुमार ने यूं ही नहीं उड़ाया। जिन लोगों के साथ रवीश बैठा हुआ था प्रेस क्लब में, इसे जगह मिली और इसने कहा कि सिर्फ यूट्यूबर्स आए हुए हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नेशनल मीडिया नहीं था। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 2-3 दिन बाद अमेरिका में उसी उमर खालिद का लेकर के अलग अलग बैनर सड़कों पे घूमा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में। क्या यह सामान्य मामला है? क्या जानबूझ करके रवीश कुमार को कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया? क्या रवीश कुमार इंटरनेशनल भारत विरोधी एजेंडे का मुख्य सरगना है? क्या यह सामान्य मामला है कि रवीश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है?
उस अपराधी के लिए जो यूएपीए में बंद है, उस अपराधी के लिए जिसको भारत, जिसको देश की सुप्रीम कोर्ट ने भी जमानत नहीं दी, उस अपराधी के लिए जिसे दिल्ली हाई कोर्ट ने मास्टरमाइंड माना, दिल्ली में 53 लोगों की जो मौत हुई थी, जो हिंदू विरोधी दंगे हुए, 53 लोगों की मौत हुई थी, 70 लोग घायल हुए थे, अरबों की संपत्ति नष्ट कर दी गई, डीटीसी के कई बसों को नष्ट कर दिया गया, ये तमाम चीज़ें दिल्ली में हुई। और उसमें जो मेन एक्यूज था, जिसे अदालत ने माना मेन एक्यूज, उस उमर खालिद के लिए रवीश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। तब तक तो ये मामला सामान्य लगता था, लेकिन जो ही ये मामला अमेरिका में जब भारत के प्रधानमंत्री को एक एम्बेरस करने की कोशिश की गई, उसके बाद अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ओबामा के द्वारा ये कहने की बात कि मुस्लिम वहां प्रताड़ित हो रहे हैं, ये तमाम चीजें सामान्य नहीं है। एक इंटरनेशनल साजिश साथ है जिसमें उमर खालिद को एक बड़ा अपराधी बनाने की कोशिश की जा रही है। उमर खालिद जैसे सड़क छाप चिरकुट को इतना बड़ा जानबूझ करके दिखाया जा रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनली है और सचमुच किसी बड़े आतंकी संगठन से क्या जुड़ा हुआ है। क्या रवीश कुमार की भी उसमें भूमिका है? भारत सरकार इस मामले को क्या इतने हल्के में लेगी या इसकी गंभीरता से जाँच करेगी? एक पत्रकार के रूप में रवीश कुमार का ये खेल क्या इतना सामान्य है? गृह मंत्रालय को इस बेहद गंभीर मामले को लेकर के इसकी जांच करनी चाहिए। ये भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ये पता किया जाए कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किसने किया, रवीश कुमार किसके हाथों का खिलौना है, एक ऐसा अपराधी, एक ऐसा अंडर ट्रायल एक्यूज जिसे सुप्रीम कोर्ट तक से जमानत नहीं मिल रही है, उसकी जमानत के लिए अदालत की अवहेलना किसने की, क्यों कराई गई, क्या ये तमाम चीज़ें, इन तस्वीरों को बाहर दिखाया गया कि भारत में पत्रकारों का समूह ये चीज़ें ऐसा करता है, क्या इस देश के गृह मंत्रालय ऐसे ऐसे लोगों से डरता है, क्या इसे रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हुआ है, क्या इसीलिए इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी? इसने दिल्ली दंगा में के मेन मुख्य सरगना शाहरुख, जो दिल्ली पुलिस पर पिस्टल ताने हुए था, उसे अनुराग मिश्रा बना करके हिंदू आतंकी साबित करने की कोशिश की। इसने पूरे दिल्ली दंगे मामले में जो सरजीन इमाम का महिमामंडन किया, इसने दिल्ली दंगा में केरक जो आम आदमी पार्टी का जो पार्षद जो गिरफ्तार किया गया, जिसने आईबी के अधिकारी की हत्या के मामले में जो जेल में है, जिससे जमानत नहीं मिल रही है, उस ताहिर हुसैन का इसने महिमामंडन किया। क्या ये सामान्य मामला है? क्या शुरू से रवीश कुमार इस एजेंडे के तहत खेल रहा है? क्या ऐसे ऐसे लोग पत्रकार होने के नाम पर कोई बड़ा फायदा उठाएंगे? आज रवीश कुमार खुद कहता है कि वो पेट पे लात खाया हुआ है। ये देश का पहला पत्रकार है जो नौकरी जाने के बाद कहता है पेट पे लात खाया हुआ है। ये कैसा पेट पे लात खाया हुआ है जो विदेशों की यात्रा कर रहा है? इसकी विदेशी यात्रा में कहाँ कहाँ गया, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके YouTube के ट्रैफिक की जांच होनी चाहिए कि आते ही इसके ट्रैप इसे 50 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर क्यों हुए, कैसे हुए और ये कहाँ देखे जा रहे हैं। इसके YouTube के ट्रैफिक इसलिए देखे जाने की ज़रूरत है कि कल को कोई बड़ा माहौल यदि बिगड़ता है तो क्या इसकी भूमिका तो नहीं है। सरकार को ऐसे मामले को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।